गया जिला के पप्पू ट्रिक से जाने वाले पप्पू कुमार ने छत्तीसगढ़ में शहीद हुए उन वीर शहीदों को याद किया जो हमारे बीच नहीं रहे और छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले में शहीद हुए 22 जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कल एक कायराना हमले में भारत माता ने 22 वीर सपूतों को खो दिया, जिससे कि आज देश बहुत व्यथित है। भारत के ये वीर सैनिक अपनी जान को हथेली पर रख के इस देश की सरहदों की रक्षा करते हैं ताकि इस देश का प्रत्येक नागरिक चैन की नींद सो सके। ऐसे में जब इन सैनिकों पर इस तरह का कायराना हमला होता है तो मन बहुत व्यथित हो जाता है, क्योंकि ये हमला सिर्फ इन सैनिकों पर नहीं होता बल्कि देश की अस्मिता पर भी होता है। और इस तरह के हमले में सिर्फ एक सैनिक ही नहीं शहीद होता अपितु उस सैनिक का पूरा परिवार ही शहीद हो जाता है। पप्पू कुमार एवं छात्रों ने मिलकर कैंडल मार्च निकाला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिले के बॉर्डर पर कल जिस तरह से नक्सली हमला किया गया है, सरकार अब नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर और जवानों को हौसला बुलंद किए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। बीटी न्यूज बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। जय हिंद साथियों, मैं पपुट्री के गया से। देखिए, जो बीजापुर में जो हमला हुआ सीआरपीएफ पर, बहुत हमारे देश के जवान बहुत ही मेहनत करते हैं और देश के लिए तीन बार सीमा पे तैनात रहते हैं। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इसका जल्द से जल्द सोल्यूशन, हमारी जो 22 जवान का जो जान गई है, जब तक पूरा का पूरा 22 के दुगना 44 अगर बदला हमारी सरकार नहीं लेती है, तब तक हम लोग जो है देश के वीर जवान हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और जितने भी इंडियन आर्मी और सीआरपीएफ है, जितने भी डिफेंस लाइन के हैं, मैं सभी को और तहे दिल से और मैं उनका श्रद्धांजलि देता हूं। और जो एक हम लोग आज श्रद्धांजलि के अपन में जो आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं, जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके प्रति, और मैं सभी अपने साथियों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग पूरे सरकार से मांग करेंगे कि हमारा जो है 22 जवान जो शहीद हुए हैं उनके विरोध में उनका 44 का जब तक हमारा बदला नहीं होंगे, जब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए हम लोग आज पूरा जो है कैंडल मार्च निकाले हैं। एक बार हम लोग बोलेंगे भारत माता की जय।